अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आज ईद का दूसरा दिन है। पहले दिन में मैं कुछ इतना ख़ास वीडियो बना नहीं सका, ज़्यादा निकलना नहीं हुआ। और अभी मैं जा रहा हूँ एक डिनर के लिए। मुझे भी हमारे पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड, एक बहुत कमाल के एक्टर अयाज खान साहब अभी आए हैं और अब वो वेट कर रहे हैं, तो उनके साथ एक डिनर प्लान किया है। तो चलते हैं और आज का ये दिन आपके साथ शेयर करते हैं, बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। जी भाई, तो यहाँ आ गए हैं बैम्बू। अहमद भाई हमारे साथ हैं। और अहमद भाई, क्या हम ऑर्डर कर रहे हैं इस वक्त? उनको पता ही नहीं था ऑर्डर क्या करना है, परेशान हो गए। और इस वक्त मैं जो कैमरा हिला रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, हमारे साथ द लिविंग लेजेंड ऑफ दिस कंट्री, द ग्रेट मैन हिमसेल्फ। प्लीज़ वेलकम जोरदार तालियों में। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? और इस वक्त देखिए हमारे पास ये एक बुक है, इसको जब ये ख़त्म हो जाएगा कोर्स तो खाना आ जाएगा, मेन कोर्स आ जाएगा। जब ये फिलहाल सूप है और सूप के साथ क्रैकर है, क्रैकर जब आदमी का जो होता है उससे आदमी की भूख से आदमी सेटल हो जाती है। तो डॉक्टर उमैर मेरे बड़े प्यारे, मेरी जान है, मेरे बेटे की तरह बिल्कुल है। तो उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ पे चलते हैं, लेकिन बाहर इतना रश है। मैंने किसी मज़ार पे जहाँ फ्री में खाना पड़ता है वहाँ पे मैंने देखा तीन रेस्टोरेंट देखे, तीनों पे इतना रश है। इस वक्त बस ये कमाल ही है कि हमारे ऑर्डर जो भी इन्होंने सिर्फ पहचान के आप यकीन करें, उन्होंने कहा अरे यार साहब आप और खड़े रहें, ये हमारा सूप आ चुका है। सिर्फ हम बैठे हुए दो मिनट हुए और ये सूप आ गया। बैठे हुए देखिए दो मिनट हुए हैं, ये वो क्रैकर्स आ गए। अल्लाह की इज्जत है जो उनको बख्शी गई है। और दूसरी बात ये याद रखें, ये अगर 10 मिनट में हमने इसे खाया नहीं ना तो हमने बोले का नंबर आ गया। बैम्बू का टूर ख़त्म हुआ है और अभी मैं और अयाज भाई, अहमद भाई, तीनों बस अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। अयाज भाई कैसा रहा आपका आज का डिनर? बहुत अच्छा रहे, बैम्बू तो बहुत ही अच्छे थे सबके मुताबिक। बैम्बू तो बहुत ही अच्छे थे। सर थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेकबान, अल्लाह हाफिज़।